हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा वह कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी ये वाला साउंड बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर रील्स पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। दोस्तों, आपको इस साउंड पर स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको VN ऐप को डाउनलोड करना है। आपको VN ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके VN ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस, आपके मोबाइल की यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है फोटो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आपकी फ़ोटो यहाँ पर सेव है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने 5 फोटो को इसमें सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है टैप टू ऐड म्यूजिक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस, आपको इस वाले म्यूजिक को इसमें सेलेक्ट करना है। आपको इस म्यूजिक की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाले म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका म्यूजिक ऐड हो जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा साउंड यहां पर आ चुका है। अब गाइस, आपको साउंड के हिसाब से वॉलपेपर को सेट करना है। आपको साउंड को सुनते जाना है और वॉलपेपर को सेट करते जाना है। तो गाइस, जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम ऐसे ही करते जाना है। इस तरह से गाइस, आपको वॉलपेपर को सेट करना है। अब गाइस, दूसरा साउंड हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब आपको यहाँ पर वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्रेड वाले, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर बीच में से कट हो जाएगा। गाइस, आपको इस एक्स्ट्रा वॉलपेपर को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वॉलपेपर डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा साउंड कुछ इस तरह सेट हो चुका है। इस तरह से गाइस, आपको सुनते जाना है और वीडियो को सेट करते जाना है। गाइस, आपको इस तरह से साउंड के हिसाब से वॉलपेपर को सेट करना है। आपको साउंड को सुनते जाना है और वॉलपेपर को सेट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सही वॉलपेपर को साउंड के हिसाब से सेट कर लिया है। अब गाइस, आपको फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके किसी भी इफेक्ट को लगा सकते हैं। तो गाइस, आपको सेकंड नंबर पर एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है वाइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपका इफेक्ट कुछ इस तरह से लग जाएगा। तो आपको वॉलपेपर के यहाँ से इस तरह से इसमें इफेक्ट को लगा देना है। इस तरह से गाइस, आपको साउंड के हिसाब से इफेक्ट को लगाना है। आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह से लग चुका है। अब यहाँ पर हम साउंड को सुनकर इफेक्ट को लगाएंगे। तो गाइस, आपको भी कुछ इस तरह से इफेक्ट को लगा लेना है। गाइस, आपको सेकेंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ से गाइस आप जो भी इफेक्ट इसमें लगाना चाहते हैं आप इसमें लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस वाले इफेक्ट को आपको लगा लेना है। तो इस वाले इफेक्ट को हम पूरे वॉलपेपर में लगा लेंगे। इस तरह से आपको पूरे वॉलपेपर में इफेक्ट को लगाना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिला राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे दो वॉलपेपर में इफेक्ट लग चुके हैं। अब आपको तीसरे वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको चौथे नंबर वाले इफेक्ट को लगा लेना है। इस तरह से आपको खींचकर पूरे वॉलपेपर में इफेक्ट को लगाना है। यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको चौथे वॉलपेपर पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको पाँचवें वाले इफेक्ट को लगा लेना है। इस तरह से आपको पूरे वॉलपेपर में इफेक्ट को लगा लेना है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है सेव टू एल्बम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।